मुंबई हमले के 5 साल बाद भी पीड़ितों को वो मदद नहीं मिली जो देने का वादा उस वक्त सरकार ने किया था। यहां तक कि कई पुलिस वालों को भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। सावेरा 26 नवंबर हमले की पीड़ित हैं। वाड़ी बंदर में आतंकियों के टैक्सी में रखे बम से ये घायल हुई। 5 साल से बैसाखियों पर हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन इलाज का मुआवजा अब तक नहीं मिला। पूनम सिंह के पेट में आज भी गोली है। उनके बेटे सचिन का हाथ जख्मी है। पिता की कमाई पर घर चले या इलाज, उम्मीद सरकार से थी। गृह मंत्री आर पाटिल से मिलने गए, लेकिन आज भी मायूस लौटे। क्या हमारे देश में पैसा नहीं है? क्या हम यहाँ के नागरिक नहीं है? हम यहाँ की बासिंदा नहीं है? एक महिला 5 साल से अपलंग हो गई, हमारा क्या कसूर था? कोई नौकरी है? इतना महंगाई है कि मैं दवा खर्चा देखे कि बच्चे को पढ़ाए लिखाए, इतना तकलीफ होता है कि मैं तो चलने पे चलते चलते मैं गिर जाऊंगी, इतना भी दर्द होता है मेरे को। शायद सरकार को रस्म अदायगी से फुर्सत नहीं। मुख्यमंत्री शहीदों के स्मारक पर श्रद्धांजलि देने आते हैं, शहीद परिवारों को चलते चलते नमस्कार भी कहते हैं, लेकिन वक्त सांसद शशि थरूर के साथ बिताते हैं। पीड़ित परिवारों से न पूछताछ न उन्हें 1 मिनट से ज्यादा का वक्त देते हैं, लेकिन सरकार को ऐसा नहीं लगता। हकीकत में कई पुलिस वालों को भी मुआवजा नहीं मिला है, ये खुद मुंबई पुलिस के मुखिया मान रहे हैं। लेकिन सब बातों को वेरीफाई करने के बाद अगर किसी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने अच्छा काम किया है, उसको अभी तक जो है उसको कोई उसको अवार्ड नहीं मिला है, उसको उसके जो है उसकी उसके कंट्रीब्यूशन को हम लोगों ने अभी तक परखा नहीं है, तो उसको जरूर किया। ऐसे में विपक्ष मुद्दे को भुनाने में जुटा है पूरे आंकड़ों के साथ। गोली लगी है और ऑपरेशन करना है, मुख्यमंत्री खाली दिखावे के लिए टीवी में अपनी तस्वीर छिपे इसके लिए आ रहे, इन आतंक पीड़ितों में तो कोई राजनीति नहीं है। सियासत और नौकरशाही की असंवेदना जो हमने आज देखी, उसको देखते हुए डर यही लगता है कि कुछ साल बाद क्या एक सालाना रस्म होगी या दिल से उठती कोई संवेदना। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयाकर के साथ योगेश दामले, NDTV इंडिया।